वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम पढ़ेंगे क्लास एमपीबीआई के बारे में, जो वर्ग एमपीबीआई है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इसमें बात करेंगे जनरल करेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन, यानी जो एमपीबीआई है उसके सामान्य लक्षण और जो एमपीबीआई का जो वर्गीकरण है उसके बारे में। क्लास एमपीबीआई जो कि फाइलम कोर्डेटा के अंतर्गत शामिल है, कोर्डेटा को हमने क्लासिफिकेशन किया और हमने वहाँ जाना कि वो एक वर्टिब्रेटा जो ग्रुप है उसमें रखा हुआ है, फिर हमने उसको डिवीजन किया। तो ये जो क्लास एम्फीबिया है वो नेथोस्टोमेटा के अंतर्गत शामिल है। नेथोस्टोमेटा को हमने दो सुपर क्लास में डिवाइड किया, जिसमें एक सुपर क्लास पाइसेज है और दूसरा सुपर क्लास दो टेट्रापोडा है। टेट्रापोडा मतलब जिनमें चार पैर पाए जाते हैं, इसलिए इनको टेट्रापोडा नाम दिया गया है। टेट्रापोडा के अंतर्गत एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मेमेलिया शामिल हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसमें जो आप अपने आसपास भी देखते हैं, एक है कॉमन एग्जांपल जैसे फ्रॉग, सेलामेंडर्स जो आप जनरली नहीं देख पाते हो, और अलग टाइप के फ्रॉग्स, यानी इसमें जनरली फ्रॉग, टोड, सेलामेंडर्स और सिसिलियन शामिल होते हैं। सबसे पहले इसमें शुरू करते हैं, कुछ डायग्राम और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर फ्रॉग दिखाया गया है, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी में फ्रॉग को आपने ठीक से देखा भी होगा कभी, तो इसमें एक्सटर्नल नेज पाए जा रहे हैं, यानी नोज की ओपनिंग है, आई प्रॉपर आई पाई जाती है। इसके अलावा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि ईयर का काम कर रही है यहाँ पर, और इसके अलावा फोर लिम और हाइंड लिम्स पाए जाते हैं जिनमें डिजिट पाए जाते हैं। डिजिट में फोर डिजिट और फाइव डिजिट, आगे वाले पैरों में फोर डिजिट पाए जाते हैं और पीछे वाले पैरों में फाइव डिजिट पाए जाते हैं। ऐसे ही दूसरे तरह का फ्रॉग, कई प्रकार के फ्रॉग अपने आसपास देखते हैं। यहाँ एक और डायग्राम दिखाया गया है, ये है सेलामेंडर। सेलामेंडर इसके बाद में है नीचे सिसिलियन। इन सब के बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सामान्य लक्षणों की। जो एम्फीबिया है इसके सामान्य लक्षण क्या क्या हैं, तो एम्फीबिया को समझने से पहले हमारे दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि मेंढक कैसा दिखाई देता है। जो आप अपने आसपास फ्रॉग जो देखते हैं या टोड देखते हैं, वो बाहरी रूप से कैसा दिखाई देता है, उसके आधार पर हम इसके करैक्टर आराम से इजीली याद कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें एम्फीबिया की। एम्फीबिया ये दो वर्ड से ओरिजिन हुआ है जो कि ग्रीक वर्ड है, एम्फी एंड बायोस। एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल एंड बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी ड्यूअल का मतलब हो गया दोहरा और लाइफ का मतलब हो गया जीवन, यानी जो दोहरा जीवन व्यतीत करते हैं। दोहरे जीवन से आशय क्या क्या है कि ये एक्वेटिक यानी पानी में भी रहते हैं, साथ ही साथ ये टेरिस्ट्रियल जो लैंड है यानी भूमि भाग है वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी फ्रॉग हैं जो पेड़ों के ऊपर पाए जाते हैं, जिसमें हम ट्री फ्रॉग जिनको नाम देते हैं। यानी एम्फीबिया जो नाम दिया गया है उनके दोहरे जीवन के कारण इनको नाम दिया गया है। जो अब तक हम जितने भी कोडेट्स में जितने भी पहले एग्जांपल्स पढ़े हैं वो सभी एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जा रहे हैं। ये मात्र पहले एनिमल्स हैं जो कि कुछ हद तक धरती वाले भाग पर, लैंड वाले भाग पर आते हैं, लेकिन इनको पानी की आवश्यकता पड़ती है, इनके रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए इनको वापस पानी में आना पड़ता है। पूरे संसार भर से जो एम्फीबियंस की स्पीसीज रिपोर्ट की गई है 7,667, यानी 7,666 स्पीसीज रिपोर्ट की गई है। ये पूरे संसार भर में जो स्पीसीज पाई जाती है वो है, लेकिन हमारे भारत से 417 स्पीसीज रिपोर्ट की गई है। इसमें जितने भी फ्रॉग हैं, सेलामेंडर्स हैं, सॉरी न्यूट्स हैं, सिसिलियंस हैं, वो शामिल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्डन एज की। गोल्डन एज का मतलब ये होता है जब इवोल्यूशनरी जो टाइम था यानी उद्विकास का जो समय था, उसमें सबसे अधिक डोमिनेंस के रूप में कौन से काल में ये एनिमल्स पाए जा रहे थे, तो वो काल था, वो पीरियड था कार्बोनीफेरस, यानी जो कार्बोनीफेरस जो पीरियड था उसमें एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी, इनका जो डोमिनेंसी ज़्यादा थी। फर्स्ट कोडेट्स दैट कम केम ऑन
फ्रॉम वाटर टू टेरेस्ट्रियल, ये पहले ऐसे कोडेट्स हैं जो पानी से धरती पर आए, बट दे डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन, लेकिन ये पानी के ऊपर निर्भर रहते हैं क्योंकि उन्हें प्रजनन करना पड़ेगा, वहां पर पानी में ही इसको रिप्रोडक्शन के लिए जाना पड़ेगा। अपेंडिसेस की बात करें, अपेंडिसेस का मतलब होता है जो मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी, जैसे एक ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में जैसे हमारे हाथ होते हैं और जो पैर होते हैं उनको अपेंडिसेस माना जाता है, लेकिन जो बाकी रिमेनिंग भाग है उसको हम मेन बॉडी पार्ट कहते हैं, और जो हाथ और पैर अपेंडिसेस की श्रेणी में आते हैं, ऐसे ही फ्रॉग में जो अपेंडिसेस हैं उसके लिम्ब्स हैं, जो लिम्ब्स अपेंडिसेस में पाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्ब, इसमें टू पेयर्स यानी कितने हो गए, चार लिम्ब्स पाए जाते हैं, चार हम कहें पैर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, हेल्प इन लोकोमोशन, जो कि गमन में मदद करते हैं। इन फ्रॉग एंड टोड हिंड लिम्ब्स आर लॉन्गर देन फोर लिम्ब्स, फ्रॉग और टोड में जो पीछे वाले जो पैर होते हैं, डायग्राम में जो ये पीछे वाले जो पैर है ये आगे वाले पैरों से ये बड़े होते हैं, यानी पीछे वाले थोड़े बड़े होने के कारण इनको लीपिंग में यानी जंप करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट हम समझते हैं बॉडी के बारे में, यानी इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड यानी सिर और ट्रंक एंड टेल, यानी सिर धड़ व पूंछ में विभक्त होता है, जो शरीर होता है तीन भागों में विभक्त हो गया। लेकिन इन सम एनिमल्स टेल इज एब्सेंट, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें टेल नहीं पाया जाता है, जैसे आपने फ्रॉग देखा होगा और टोड देखा होगा, इनमें टेल नहीं पाई जाती है, पूंछ नहीं पाई जाती है, लेकिन सेलामेंडर है उनमें टेल पाई जाती है। स्किन, इनकी त्वचा कैसी होती है, आप किसी भी फ्रॉग को देखते हैं तो बहुत ही लसलसा होता है, मॉइस्ट स्किन होती है उसकी, मॉइस्ट यानी नमी युक्त उसकी स्किन होती है जिसमें म्यूकस ग्लैंड बहुत सारी पाई जाती हैं। ये इसकी स्किन स्मूथ होती है विदाउट स्केल्स, स्केल्स का अभाव होता है, सल्क नहीं पाए जाते हैं, जितने भी एम्फीबियंस हैं उनमें स्केल्स नहीं पाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है यानी अपवाद स्वरूप भी है, जैसे इक्थायोफियस है जो कि आगे जानेंगे, इक्थायोफियस उसमें स्केल्स पाए जाते हैं और बहुत ही छोटे छोटे इसकी शरीर पर छोटे छोटे स्केल्स पाए जाते हैं, ये स्केल्स इनकी त्वचा में धसे हुए पाए जाते हैं। स्किन हैव पिगमेंट सेल्स कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स, इनकी जो आपने कई प्रकार के कलर के मेंढक देखे होंगे, ग्रीन कलर के मेंढक देखे होंगे, येलो कलर के, ब्राउन कलर के, ये इनका कलर होने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, जो त्वचा में जो कोशिकाएं होती है उनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं और ये क्रोमेटोफोर्स यानी रंग बदलने की कैपेसिटी भी रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉस्ट्रिल की, नॉस्ट्रिल का आशय है डायराइनस कंडीशन पाई जाती है, यानी नोज की जो ओपनिंग होती है उसमें दो पोर्स पाए जाते हैं। सेंसरी सिस्टम की बात करें यानी जो संवेदी तंत्र है उसके बारे में बात करें तो एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, जो बाह्य कर्ण होता है वो इनमें नहीं पाया जाता है, जैसा कि मेमल्स में पाया जाता है उस तरह का यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता है, एक्सटर्नल ईयर का अभाव होता है। मिडल ईयर वन ईयर ऑसिकल्स, जो मध्य कर्ण होता है उसमें एक ईयर ओसिकल्स पाई जाती है, ओसिकल्स जैसे आपने मेलियस इनकस स्टेपीज का नाम सुना होगा, यहां पर सिर्फ एक ही ईयर ओसिकल्स पाई जा रही स्टेपीज। इसके अलावा सेंसरी सिस्टम में लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट, जीवन की किसी न किसी अवस्था में पार्श्व संवेदी सिस्टम इसमें पाया जाता है और ये जनरली इनकी लार्वा अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि इनका लार्वा जो फुल्ली एक्वेटिक मीडियम में पाए जाने के कारण वहां पर उसको सेंसरी सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, लेटरल लाइन सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आप डायग्राम में देखिए, यहां आई के पीछे की तरफ एक राउंड सर्कल जो दिखाई दे रहा है, आप जब भी फ्रॉग को ध्यान से देखेंगे यहां टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बाहर से वाइब्रेशन को रिसीव करती है जिससे इसको
थोड़ा हल्का सा सुनाई देता है, वाइब्रेशन को मैसेज रिसीव करने का काम करता है। आंखों की बात करें तो आईज हैव आईलिड्स, आंखों के ऊपर पलकें पाई जाती हैं, यानी ऊपर की तरफ से इसमें ये कवर करके रखती है। ए टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, इसमें टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है या जो इसको टिम्पेनम कहते हैं, ये कान को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कोई इस तरह के, यही कान है, हम यूं कहें जो टिम्पेनम है ये टिम्पेनम कहलाता है, ये ही ईयर है। अब हम समझते हैं और कैरेक्टर्स के बारे में, एम्फीबियंस के जो और सामान्य लक्षण हैं उनके बारे में। जैसा कि मछलियां कोल्ड ब्लडेड होती हैं, ऐसे ही एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, या हम कहें पोइकिलो थम्स हैं, या हम कहें एक्टोथम्स हैं। ये अधिक, बहुत ही अधिक जब गर्मी हो जाती है तब हमें दिखाई नहीं देंगे, जब बहुत अधिक ठंड होती है, बहुत अधिक सर्दी होती है, तभी भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन हमें जब रेनी सीजन होता है तब हमें बहुत सारे फ्रॉग अपने आसपास टर टर की आवाज़ करते हुए हमें सुनाई देते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एक्सट्रीम लेवल की जब सर्दी होती है तो ये फ्रॉग, क्योंकि बाहरी वातावरण के साथ में इनका टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है लेकिन एक निश्चित मात्रा पर, लेकिन अगर एक्सट्रीम लेवल की अगर सर्दी हो जाए तो इनकी डेथ हो सकती है। तो ये क्या करते हैं, अपने आप को किसी क्रिप्ट में, किसी दरार में, किसी बड़े बड़े जो लॉक्स पड़े हुए होते हैं, बड़े बड़े वुडन्स के जो लॉक्स पड़े होते हैं उनके नीचे या कोई दरार होती है वहाँ जाके छिप जाते हैं। वो कहलाता है हाइबरनेशन, ये हाइबरनेशन कहलाता है, या हम कहें विंटर, या हम कहें विंटर स्लीप, यानी सर्दियों की नींद कह सकते हैं, क्योंकि ये सर्दियों में जाके एक लंबी नींद में चले जाते हैं। इनकी उस समय मेटाबॉलिक जो रेट होती है, बीएमआर जो होती है, बहुत ही स्लो हो जाती है। जब भी ये हाइबरनेशन में जाते हैं उससे पहले खूब सारा खाना स्टोरेज कर लेते हैं, जिससे आने वाले 2-3 महीनों में उनको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल सके। ऐसे ही सर्दियों के अलावा अगर एक्सट्रीम लेवल की जब गर्मी होती है तो ये होता है समर स्लीप, जिसको कहते हैं एस्टिवेशन। अब हम बात करते हैं स्कल की, यानी जो इनका जो स्कल है वो किस तरह का पाया जाता है। तो यहां पर स्कल होता है डाइकोंडाइलिक, डाइकोंडाइलिक मतलब 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल अटैच विथ फर्स्ट वर्टिब्री। फर्स्ट वर्टिब्री होती है एटलस, एटलस जो होती है वो ऑक्सीपिटल कोंडाइल से जुड़ती है, और इसके पास में ऑक्सीपिटल कोंडाइल 2 होते हैं, उन दोनों से एटलस अटैच हो जाती है। मेमल्स में भी डाइकोंडाइलिक अवस्था ही पाई जाती है, लेकिन जब हम आगे बात करेंगे रेप्टिलिया एंड एवीज के बारे में तो उनमें मोनोकोंडाइलिक कंडीशन पाई जाती है। श्वसन की बात करें, यानी जो रेस्पिरेशन है उसके बारे में बात करें एम्फीबियंस में, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए फ्रॉग में जो एम्फीबियंस हैं उनमें कई प्रकार के मेथड्स पाए जाते हैं, जिसमें से शामिल है गिल्स के द्वारा, यानी जो एम्फीबियंस हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकते हैं, जिसको कहते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। स्किन के द्वारा ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं, जिसको कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लंग्स के द्वारा ये रेस्पिरेशन करते हैं, जिसको कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसके अलावा बक्कोफेरिंजियल कैविटी, जो बक्कोफेरिंजियल यानी जो हमारा बकल कैविटी वाला जो रीजन है और फेरिंग्स के, इन दोनों के बीच में एक कैविटी डेवलप हो जाती है, वो रीजन जैसा कि आप डायग्राम में देखिए, ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये बक्कोफेरिंजियल कैविटी कहलाता है, और इसके थ्रू भी इनमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। इसमें एक एक को समझते हैं हम। सबसे पहले रेस्पिरेशन में गिल्स की बात करते हैं। हम टेडपोल के बारे में जान चुके हैं, और कई एडल्ट एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जिनमें गिल्स पाए जाते हैं। एडल्ट फ्रॉग में किसी तरह के गिल्स नहीं पाए जाते, लेकिन जो इनका लार्वा होता है टेडपोल, उसमें गिल्स पाए जाते हैं। यूं कह सकते हैं हम कि फ्रॉग के टेडपोल लार्वा में गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। स्किन के बारे में बात करें तो, क्योंकि हमने स्किन के बारे में अभी जाना कि स्किन इसकी मॉइस्ट होती है, म्यूकसी होती है, हमेशा नमी युक्त वातावरण के आसपास ये एनिमल्स पाए जाते हैं, तो इनकी स्किन में
जो O2 और CO2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है, तो स्किन के द्वारा भी ये रेस्पिरेशन करते हैं। जैसा कि आपने जब भी आप किसी पॉन्ड के पास में या अपने घर के आसपास जब आप किसी मेंढक को देखा होगा आपने, आप जैसे ही उसके पास जाते हैं वो जंप करके पानी के अंदर चला जाता है, क्योंकि एडल्ट तो के पास गिल्स नहीं पाए जाते हैं, तो उस समय जो श्वसन की जो प्रक्रिया है वो स्किन के द्वारा होती है, उसकी त्वचा के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें लंग्स के द्वारा, जो फेफड़े होते हैं उनके द्वारा भी फ्रॉग रेस्पिरेशन करता है। जो एडल्ट जो फ्रॉग होता है उसमें जो लंग्स होते हैं वो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब ये स्थल भाग पर होता है। ध्यान देंगे आप लोग, जो स्थल भाग होता है वहां पर रेस्पिरेशन जब फ्रॉग को करना होगा तब इनमें लंग्स के थ्रू होगा। इसके अलावा बक्कोफेरेंजियल कैविटी में ये दोनों माध्यम में कर सकता है, यानी एक्वेटिक और टेरिस्ट्रियल हैबिटेट दोनों में बक्कोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू कुछ हद तक ये रेस्पिरेशन कर सकता है। तो यहां चार प्रकार का रेस्पिरेशनी मेथड हमें देखने को मिलता है। अब हम समझते हैं इसके हृदय के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में। तो इसमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। जो हृदय होता है वो थ्री चैम्बर होता है, यानी उसमें हृदय में तीन चैम्बर पाए जाते हैं, जिसमें दो ओरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, या हम कहें जैसे एट्रियम और वेंट्रिकल। एक हो गया राइट एट्रियम, एक हो गया लेफ्ट एट्रियम, यानी एक और दो, ये तो हो गए ओरिकल या हम कहें एट्रियम, जिसको कहते हैं हिंदी में आलिंद, यानी फ्रॉग के हृदय में दो आलिंद पाए जाते हैं एंड वन वेंट्रिकल और एक निलय पाया जाता है। इस तरह ये थ्री चैम्बर हार्ट रखते हैं। साइनस विनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस प्रेजेंट, ये दोनों एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स है जो हार्ट के पास में पाई जाती है, यानी जो जो नलियां होती है वो ही थोड़ी सी स्वेल हो जाती है, फूल जाती है और वो स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जिसमें एक है कॉनस आर्टेरियोसस और दूसरी है ट्रंकस कॉनस आर्टेरियोसस एंड दूसरी है साइनस विनोसस। आरबीसी जो इनकी रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं, वो न्यूक्लिएटेड होती है, यानी इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। अब हम बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम की। जो एम्फीबियंस होते हैं उसमें कंकाल तंत्र की बात करते हैं, तो कंकाल इनमें एंडोस्केलेटन की पहले बात करते हैं। एंडोस्केलेटन इनमें बोन्स का बना हुआ होता है, लेकिन जो क्रेनियम होता है इनमें, क्रेनियम इनमें कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। यहां पर यानी दोनों चीज पाई जा रही है। वर्टिब्री प्रोसिलस प्रकार की होती है। जो कशेरुकाएं होती है वो प्रोसिलस प्रकार की होती है। प्रोसिलस क्या होता है, फोर पार्ट कॉन्वेक्स होता है और हिंड पार्ट कॉनकेव होता है। जैसा आप एक वर्टिब्री को देखेंगे तो एक वर्टिब्री जैसे कि ये आगे वाला भाग है फोर पार्ट और ये इस तरह से इसकी वर्टिब्री पाई जाती है। दूसरी जो वर्टिब्री जुड़ेगी इस तरह से जुड़ेगी, तीसरी जो वर्टिब्री जुड़ेगी इस तरह से वर्टिब्री जुड़ती है, यानी जो ये आगे वाला जो भाग है वो होता है कॉन्वेक्स और पीछे वाला जो भाग होता है वो कॉनकेव होता है। ये तो हुई एंडोस्केलेटन की बात, यानी अंतःकंकाल की बात। एक्सोस्केलेटन की बात करें तो एक्सोस्केलेटन जैसा कि इसमें स्केल्स नहीं पाए जा रहे हैं, नाखून नहीं पाए जा रहे हैं, तो इनमें एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है, बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। समझते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन तंत्र इनमें वन पेयर किडनी पाई जाती है जो कि मीजोनेफ्रिक प्रकार की होती है। ये यूरियोटेलिक होते हैं। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले एनिमल्स यूरियोटेलिक कहलाते हैं, लेकिन इनका जो लार्वा होता है वो अमोनोटेलिक होता है। लार्वा क्योंकि फुल्ली एक्वेटिक मीडियम में पाया जाता है, पानी के अंदर रहता है, और हम जानते हैं कि अमोनिया ज्यादा विषैला होता है यूरिया की तुलना में। तो अमोनिया ज्यादा विषैला होने के कारण इसको सिक्रीट करने के लिए यानी बॉडी से बाहर करने के लिए ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो जो पानी में जो रहते हैं जनरली एनिमल्स अमोनोटेलिक होते हैं, और एडल्ट का स्थलीय भाग पर भी पाया जाता है, इसलिए ये यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को,
पाचन तंत्र के बारे में कंप्लीट पाया जाता है, यानी पूर्ण प्रकार का इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। पूर्ण प्रकार का मतलब जिसमें एक तरफ माउथ की ओपनिंग होती है और दूसरी तरफ कोई दूसरे पोर की ओपनिंग होती है, जिसको क्लोइका नाम कह सकते हैं या हम कह सकते हैं एनस का नाम कह सकते हैं। वेल डेवलप विद डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी इनमें पाई जाती है। सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट होती है, सलाइवा की जो ग्लैंड होती है वो नहीं पाई जाती है, क्लोइका इनमें पाया जाता है। क्लोइका क्या है? क्लोइका ऐसी ओपनिंग है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी ओपनिंग, जेनाइटल डक्ट जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी ओपनिंग, एंड यूरिनरी सिस्टम जो एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है उसकी ओपनिंग। तीन प्रकार के सिस्टम जब एक जगह सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्लोइका। तो यहां पर आप डायग्राम को देखिए, यहां आपको क्लोइका जो दिखाया गया है, क्लोइका में ओपनिंग हो रही है, यूरेटर ओपनिंग ओपन हो रहा है। इसके अलावा ये जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की ओपनिंग भी इसी में हो रही है, और यहां पर इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर भी ओपनिंग यहीं पर हो रही है, यानी तीनों प्रकार के सिस्टम की ओपनिंग यहीं पर हो रही है। तो ये क्लोइका है, इनमें क्लोइका पाया जाता है और बाहर की तरफ क्लोइका प्रेशर के थ्रू ये इन सब चीजों को बाहर कर सकते हैं। टीथ प्रेजेंट इन इक्वल टाइप्स, जो दांत होते हैं वो समान प्रकार के होते हैं, प्लूरोडोंट होते हैं। प्लूरोडोंट का मतलब होता है वो जो दांत होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ वन साइडेड ही सपोर्ट होता है, यानी इतने मजबूत दांत नहीं होते हैं। होमोडोंट यानी दांत होंगे वो समान प्रकार के होंगे, अनइक्वल टाइप के नहीं होंगे। जैसे कि हमारे में इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर, मोलर चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं, लेकिन फ्रॉग में ऐसा नहीं होता है, वहां एक ही प्रकार के सामान्य समान प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इसके अलावा पॉलीफायोडोंट, पॉलीफायोडोंट का मतलब हो गया जो बहुत बार ओरिजिन होते हैं, यानी टूटने के बाद में फिर से उगाते हैं, उसको कहते हैं पॉलीफायोडोंट टीथ। अब हम समझते हैं नेक्स्ट नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है, यहां फिशेस के समान 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है। प्रजनन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी जो मेल और फीमेल जो दोनों सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी जो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है बाहर होती है, और बाहर जनरली ये पानी में होती है। सम इंटरनल, कुछ एनिमल्स इसमें हम आगे पढ़ेंगे उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ओवीपेरस अंडे देने का काम करते हैं, मेंढक अंडे देते हैं। एग इनके मीजोलेसिटल प्रकार के होते हैं, यानी जो इसमें योग पाया जाएगा वो मध्यम प्रकार का योग पाया जाएगा। इनको जो एम्फीबियंस है इनको एन एमनियोटा में शामिल किया गया है। एन एमनियोटा क्या होता है? देखो एमनियोटा का मतलब हो गया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, लेकिन एन एमनियोटा मतलब जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अनुपस्थित हो उनको एन एमनियोटा में शामिल किया जाता है। तो एम्फीबियंस होते हैं वो एन एमनियोटा में शामिल किया गया है। एमनियोटा क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का पाया जाना टेरेस्ट्रियल हैबिटाट की विशेषता है, यानी स्थलीय जो एनिमल्स हैं उनकी विशेषता है, जैसे रेप्टिलिया जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में रहते हैं, बर्ड्स और मैमल्स, तो इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। चूंकि ये भी स्थलीय भाग पर पाए जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान देंगे, स्थल भाग पर तो रहते हैं लेकिन पूर्णतया स्थल भाग पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इनको जो मेन जो काम है रिप्रोडक्शन, इनका जो अपनी संतान उत्पन्न करने का जो काम होता है, उसके लिए इनको पानी में आना पड़ेगा, और पानी में अंडे जब दिए जाते हैं तो वो किसी बाहरी कई प्रकार के जो वातावरण के जो कई प्रकार के प्रेशर होते हैं उनसे सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। डेवलपमेंट वो डायरेक्ट भी हो सकता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होता है, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होता है। अगर इनमें अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होता है तो एक लार्वा अवस्था उत्पन्न होती है जिसको टेडपोल कहते हैं, और टेडपोल लार्वा जनरली फ्रॉग्स और टॉड्स में पाई जाती है। इसके अलावा जो लार्वा एक्सोलोटल है वो सेलामेंडर में भी पाया जाता है। इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, इसके नर्वस सिस्टम को।
जो फ्रॉग होते हैं वो एग देते हैं यानी ओवीपेरस होते हैं। ये एग पानी में दिए जाते हैं यानी वाटर में दिए जाते हैं, और ये क्लंप में दिए जाते हैं, गुच्छों में दिए जाते हैं। इन एग से हैचिंग होने के बाद में एक टैडपोल विकसित होता है, जो कि आप दूसरी पिक्चर में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक टैडपोल दिखाई दे रहा है, ये एक टैडपोल है जिसके पास में एक बड़ी सी टेल आपको दिखाई दे रही है, लेकिन जो ये टेल है वो जैसे ये इसमें पैर है, दोनों ये पैर का हिस्सा है, ये पैर है इसके, और आगे की तरफ यहाँ पर पैर पाए जाते हैं। ये एक टैडपोल है, और इस टैडपोल जो कि आगे जाके फ्रॉग में बदलेगा, यानी इसमें ये पीछे की तरफ ये जो पूंछ पाई जाती है बाद में रिग्रेट हो जाती है, जैसा कि आपको यहाँ पर एक पूंछ भी दिखाई दे रही है। तो ये फ्रॉग बाद में जाके एडल्ट में विकसित हो जाता है और इनमें पूंछ एब्सेंट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हालांकि इनको आगे और देखते हैं। बूफो जिसको टोड कहते हैं, राना एक फ्रॉग है, हाइला ट्री फ्रॉग है यानी जो पेड़ों के ऊपर पाया जाता है, सेलामेंडर सेलामेंड्रा जिसको सेलामेंडर कहते हैं, एक टाइफियस जिसको लिम्बलेस एम्फीबियंस कहते हैं जिनमें पैरों का अभाव पाया जाता है। ये थे इसके एम्फीबियंस के सामान्य करैक्टर्स के बारे में, जनरल जो लक्षण हैं उनके बारे में। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी क्लास एम्फीबिया का जो वर्गीकरण है उसके बारे में। एम्फीबिया क्लास एम्फीबिया को तीन ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर है जिम्नोफियोना, या हम इसको कहें एपोडा, पहला हो गया जिम्नोफियोना, या इसको कहते हैं एपोडा। दूसरा जो ऑर्डर है उसको कहते हैं कोडाटा, या हम कहें यूरोडेला। थर्ड जो ऑर्डर है वो है एनुरा, या हम कहें सेलेंसिया। ये तीन ऑर्डर हैं एम्फीबिया के, इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जिम्नोफियोना, या जिसको कहते हैं एपोडा। सबसे पहले इनका वर्ड का मतलब समझते हैं। एपोडा, ए का मतलब हो गया एब्सेंट, ए का मतलब हो गया एब्सेंट या अनुपस्थित, और पोडा का मतलब हो गया पैर यानी फूट, यानी इसमें पैर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको एपोडा नाम दिया गया है। इनकी जो बॉडी होती है वो जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं इसके एग्जांपल, बॉडी वर्म लाइक होती है, कृमि के समान इनका शरीर होता है, प्रिमिटिव आदिम प्रकार के होते हैं, बरोविंग एम्फीबियंस जो बिल बनाकर रहते हैं वो इस तरह के एनिमल्स हैं, लिम्बलेस क्योंकि इनमें लिम्ब नहीं पाए जाते हैं, पैर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको एपोडा नाम दिया गया है। इसके अलावा इनकी स्किन में छोटे छोटे दसे हुए स्केल्स पाए जाते हैं जो कि अन्य एम्फीबियंस में नहीं पाए जाते हैं, यानी स्केल्स पाया जाना सिर्फ एपोडा या जिम्नोफियोना ऑर्डर का ही लक्षण है। आई कवर्ड बाई ओपेक स्किन, जो इनकी आंखें होती है, यहाँ पर इनकी आंखें होती है, छोटी छोटी आंखें होती है, ये आंखें जो बिल्कुल अपारदर्शी स्किन के द्वारा ढकी हुई रहती है। अगर स्किन ढकी हुई रहेगी तो इसका मतलब इनको ठीक से, ये जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये आंख है, तो ये एक अपारदर्शक जो स्किन होती है उससे ढके हुए रहते हैं, जिससे क्या होता है इनको दिखाई नहीं देता है। मिडिल ईयर एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट, इसमें मध्यकर्ण और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती है, जिससे क्या होता है इनको सुनाई भी नहीं देता है। पेरेंटल केयर प्रेजेंट, इनमें जो पैतृक जो रक्षण होता है यानी पेरेंटल जो केयर होती है वो इसमें पाया जाता है। मेल है कोपुलेटरी ऑर्गन, मेल के पास में कोपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है जिससे इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी आंतरिक जो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है इन एनिमल्स में पाई जाती है, आंतरिक निषेचन इनमें पाया जाता है। इसके उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण में सबसे इम्पोर्टेंट इक्टायोफियस जिसको ब्लाइंड वर्म कहते हैं, ये हम कहें सिसिलियन है एक प्रकार का, ये इक्टायोफियस ब्लाइंड वर्म क्यों हो गया, क्योंकि स्किन इसकी जो इसकी आंखें होती हैं वो अपारदर्शक त्वचा के द्वारा ढकी हुई रहती है,
दूसरा इसका एग्जाम्पल है जिम्नोफिस। ये दोनों ही एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे। जैसा कि आपको डायग्राम में जो दिखाई दे रहा है, एक इसकी ये हमें सांप के समान दिखाई देते हैं, लेकिन सांप में और इनमें अंतर ये होता है, सांप के ऊपर अगर छोटा सा भी सांप होगा तो उसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे स्केल्स पाए जाएंगे। इसके अलावा जो इनका टेल का जो रीजन है और आगे वाला भाग है, टेल वाले रीजन में इस तरह के सर्कल्स पाए जाते हैं, जबकि सांप में इस तरह के सर्कल्स नहीं पाए जाते हैं। इन एनिमल्स की और विशेषता ये होती है कि इनमें अपने अंडों को इनक्यूबेट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पेरेंटल केयर पाया जाता है, जो पैतृक रक्षण का जो गुण होता है वो इनमें पाया जाता है। अब हम समझते हैं दूसरा जो हमारा ऑर्डर है क्लास एम्फीबिया में, जो दूसरा ऑर्डर है कोडाटा, या हम कहें यूरोडेला। सबसे पहले वर्ड का मतलब समझते हैं। यूरो का मतलब हो गया टेल यानी पूंछ, और डेला का मतलब जिनमें पाई जाती है, यानी पूंछ युक्त जो एम्फीबियंस होते हैं इनके अंतर्गत शामिल किया गया है। इन एनिमल्स में पूंछ पाई जाती है। सो बॉडी इज डिवाइडेड इंटू हेड, सिर, ट्रंक, जो इसका जो ये भाग है ये ट्रंक, और पीछे का जो भाग है वो टेल। ये हो गया हेड, ये हो गया ट्रंक यानी धड़ भाग, और ये हो गया टेल पार्ट। इसका तीन पार्ट में डिवाइड होता है। टेल है कोडल फिन्स। टेल का जो लास्ट का जो भाग है, जो टेल है, वो कोडल फिन्स रखते हैं। यहाँ पर जो फिन्स हैं वो मछलियों के समान नहीं होते हैं, इनमें फिन्स रे नहीं पाई जाती है। इनकी जो कोडल फिन्स होती है वो लेटरली फ्लेटेड होती है, पार्श्वतः चपटी होती है, जिससे क्या होता है इसको पानी में रहने के लिए मदद मिलती है, उसमें लोकोमोशन करने में मदद मिलती है। टू पेयर लिम्स आर प्रेजेंट। दो पेयर लिम्स पाए जाते हैं, यानी दोनों आगे वाले पैर और पीछे वाले पैर पाए जाते हैं, और दोनों जो पैर होते हैं इक्वल लेंथ, इक्वल साइज के होते हैं, समान लंबाई के होते हैं, लेकिन फ्रॉग और टोड में ऐसा नहीं होता है। सम टाइम हिंड लिम्ब एब्सेंट। और कुछ एग्जाम्पल इसमें ऐसे भी आएंगे जिसमें हिंड लिम्ब पाए नहीं जाते, यानी पीछे वाले पैर या तो रिग्रेट हो जाते हैं या पाए ही नहीं जाते, एब्सेंट होते हैं। स्केल्स लेस स्किन। स्किन के ऊपर किसी प्रकार के स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। आपको ये जो छिपकलियों की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में छिपकलियां नहीं है, ये लिजर्ड नहीं है, क्योंकि लिजर्ड में और इसकी स्ट्रक्चर में कई प्रकार के डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। इसकी स्किन कितनी मॉइस्ट है, इसकी ब्राइट फीचर्स है, म्यूकसी स्किन पाई जाती है, लेटरली इसकी स्किन जो फ्लेटेड पाई जाती है, जो कि एक्विटिक एडप्टेशन रखते हैं। एक्सटर्नल, इसके अलावा एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट इन लार्वा स्टेज। लार्वा स्टेज में एक्सटर्नल गिल्स, बाहरी जो गलफड़े पाए जाते हैं, यानी शरीर के बाहर आपको गिल्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको शरीर के बाहर गिल्स देखने हैं किसी एनिमल्स में, तो आप जो यूरोडेला के एनिमल्स हैं जैसे सेलामेंडस, प्रोटियस है, तो आप उनमें देख सकते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, जैसा कि एपोडा में पाया जाता था। नियोटेनी प्रेजेंट, नियोटेनी पाई जाती है। नियोटेनी का मतलब ये होता है जो लार्वा होता है वो कई बार एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, यानी वो सिर्फ लार्वा का लार्वा ही बना रहता है। इस कंडीशन को कहते हैं नियोटेनी। और जब नियोटेनी एनिमल्स जब उसी अवस्था में रिप्रोडक्शन करता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं पीडोजेनेसिस। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले सेलामेंड्रा। सेलामेंड्रा, जैसा कि आपको यहाँ पर ये सेलामेंड्रा ही है, ये जो आपको डायग्राम ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये सेलामेंड्रा है जो किसी ने हाथ में ले रखे हैं। इसको कहते हैं स्पॉटेड सेलामेंडर, यानी क्योंकि इसकी बॉडी पर स्पॉट पाए जा रहे हैं इसलिए इसको स्पॉटेड सेलामेंडर कहते हैं। ये वीवी पेरस होते हैं, यानी बच्चे देने का काम करते हैं। इनका लार्वा कहलाता है एक्सोलोटल। लार्वा एक्सोलोटल कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोटियस, जो कि दूसरा आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, इस प्रोटियस में यहाँ पर आपको ये जो आगे वाले पैर है वो दिखाई दे रहे हैं और ये है पीछे वाले पैर, तो इसमें समान प्रकार के पैर पाए जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ जो भाग, ये रीजन है, यहाँ पर आपको एक्सटर्नल गिल्स दिखाई देंगे। इसको केव सेलामेंडर कहते हैं, क्योंकि ये गुफाओं में पाया जाता है इसलिए इसको केव सेलामेंडर कहते हैं, यानी ये डार्क स्पेस में पाया जाता है। नेक्स्ट हम समझते हैं नेक्टूरस, जिसको वाटर डॉग कहते हैं, यानी जलीय कुत्ता कहते हैं, या हम कहें मड पप्पी, यानी कीचड़ में जो
छोटा सा कुत्ते का जो बच्चा पाया जाता है, इसमें भी नियोटेनी पाई जाती है। क्योंकि ये देखो आप, छोटा सा कुत्ते के छोटे से बच्चे के समान दिखाई देता है और ये पानी में पाया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है एम्फ्यूमा। एम्फ्यूमा को आप लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, क्योंकि एम्फ्यूमा में लार्जेस्ट आरबीसी पाई जाती है, यानी आरबीसी का सबसे बड़ा आकार एम्फ्यूमा में ही पाई जाती है, जिसको कोंगो ईल कहते हैं। ईल के समान होने के कारण, ईल एक मछली भी प्रकार की भी पाई जाती है, यहाँ इसको कहते हैं कोंगो ईल। इसमें रूडिमेंट्री हिंड लिम्स, जो हिंड लिम्स हैं बहुत ही कम विकसित होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे विकसित होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्बायस्टोमा। इसको कहते हैं टाइगर सेलामेंडर, क्योंकि ये टाइगर जैसा दिखाई होने के कारण इसको टाइगर सेलामेंडर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब जिससे हम सबसे ज़्यादा फेमिलियर हैं, सबसे ज़्यादा हम जिसको जानते हैं, ऑर्डर एनुरा, या जिसको सेलेंसिया कहते हैं, सेलियंसिया। एनुरा का मतलब क्या होता है? ए प्लस न्यूरा मीन्स जिसमें टेल एब्सेंट होती है, यानी पूंछ नहीं पाई जाती है, उनको एनुरा के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इन एनिमल्स की जो बॉडी होती है उसको हेड और ट्रंक में डिवाइड किया गया है। ये हेड भाग है और जो बाकी का जो भाग है वो ट्रंक कहलाता है। टेल इसमें नहीं पाई जाती है, लेकिन लार्वा में ये पाई जाती है, एडल्ट में एब्सेंट हो जाती है। इसके अंतर्गत टोड और फ्रॉग शामिल हैं। टोड और फ्रॉग आपको समान प्रकार के दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर ये होता है। टोड की जो स्किन होती है उसमें, जैसा कि यहाँ पर जो आपको डायग्राम जो दिखाई दे रहा है वो एक टोड का है, जिसमें एक तो पैरोटिड ग्लैंड टोड में विकसित पाई जाती है, यानी अच्छी खासी डेवलप पाई जाती है, जो कि किडनी के शेप की होती है। इसके अलावा इनकी जो स्किन होती है त्वचा के ऊपर, बहुत सारे छोटे छोटे आपको ट्यूबरकल्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे इस तरह के स्पॉटेड ट्यूबरकल्स पाए जाते हैं। जबकि जो फ्रॉग होते हैं उसमें जो स्किन होती है बहुत ही स्मूथ होती है, वहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड नहीं पाई जाती है। इसके अलावा जो टोड होते हैं उसमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो कई बार विलुप्त भी होती है, यानी नहीं पाई जाती है, ये कमी देखने को मिलती है। ये थे फ्रॉग एंड टोड में कुछ अंतर। इसके अलावा जो टोड होते हैं वो ड्राई एरिया में पाए जाते हैं, यानी पानी से ये ज़्यादा दूर मिलेंगे, लेकिन फ्रॉग जो है वो नमी वाले स्थान पर या पानी के बिल्कुल नज़दीक या पानी में ही पाए जाएंगे। टू पेयर्स लिम्ब प्रेजेंट, जो एनुरा है यानी फ्रॉग और टोड्स में क्या होगा, टू पेयर्स में यानी चार लिम्ब्स पाए जाते हैं, जिसमें हिंड लिम्ब्स लार्ज होते हैं कंपेयर टू फोर लिम्ब। जो पीछे वाले जो पैर होते हैं वो आगे वाले पैरों की तुलना में बड़े होते हैं, जिससे इसको जंप करने में, लीपिंग जो मूवमेंट होता है उसमें मदद मिलती है। फोर लिम्ब्स, फोर डिजिट, जो आगे वाले पैर होते हैं उसमें चार डिजिट पाई जाती है, यानी यहाँ चार प्रकार की अंगुलियाँ पाई जाती हैं। लेकिन जो पीछे वाले जो पैर होते हैं वो ह्यूमंस के समान पेंटाडेक्टाइल होते हैं, उसमें पांच अंगुलियाँ पाई जाती है, लेकिन इनमें नेल्स नहीं पाए जाते हैं, जो नाखून है वो नहीं पाए जाते हैं। हिंड लिम्ब्स हैव वेब विच हेल्प इन स्विमिंग, जो पीछे वाले जो पैर होते हैं उसमें जो इस, जैसे कि हम बनाते हैं एक डायग्राम, जैसा कि ये एक किसी फ्रॉग का हिंड लिम्ब्स का जो भाग है, इनमें जो पीछे वाले पैर होंगे, आप अगर किसी फ्रॉग को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो अंगुलियाँ हैं उनके बीच में एक जाल दिखाई देगा आपको, जो कि इसको स्विमिंग करने में, तैरने में मदद करते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, जो निषेचन की जो प्रक्रिया होगी वो बाहरी होगी, क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो पानी में ही मेल एंड फीमेल गेमिट निकाले जाते हैं। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है, यानी लार्वा पाया जाता है और लार्वा टेडपोल कहलाता है। टेडपोल लार्वा पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें बूफो, जिसको कॉमनली बूफो कहा जाता है, वर्तमान में इसको बूफो नहीं कह के इसका जीनस और स्पीसीज नाम चेंज हो गया है, बूफो इसको कह दिया है दत्ता फ्राइनस मिलेनो स्ट्रिक्टस, ये इसका वर्तमान में बूफो नाम, हालांकि ये पुराने बुक्स में या ऐसे ही चल रहा है अभी तक भी, लेकिन वर्तमान में इसका जीनस चेंज हो चुका है, इसको कहते हैं दत्ता फ्राइनस, स्पीसीज है मिलेनो स्ट्रिक्टस।
इसको कहते हैं कॉमन टोड, सामान्य कोड, जो सामान्य टोड। पॉइजन ग्लैंड इज मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड, जो इसमें पॉइजन ग्लैंड होती है वो पैरोटिड ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ और फ्रॉग के एग्जांपल देखते हैं। कुछ ऐसे मेंढक भी होते हैं जो पेड़ों के ऊपर पाए जाते हैं जिनको ट्री फ्रॉग कहते हैं, जिसमें से है हाइला, पॉलीपिडेटस, ये जीनस के नाम है, ये जितने भी हैं वो जीनस हैं, स्पीसीज का यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, इनकी बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। हाइला, पॉलीपिडेटस एंड रेकोफोरस, ये सभी ट्री फ्रॉग कहलाते हैं क्योंकि ये पेड़ों के ऊपर पाए जाते हैं। पेड़ों के ऊपर पाए जाने के लिए इनमें आप इनकी अंगुलियों को डिजिट के ध्यान से देखेंगे तो आगे से ये फ्लैप हो जाती है, चपटी हो जाती है, जिससे ये पेड़ों के ऊपर चिपकने में मदद मिलती है। इसके अलावा और एग्जांपल की बात करें, सबसे कॉमन राना टिग्रिना, जिसको आप जानते हैं और आसपास आपको सबसे कॉमन जो फ्रॉग है राना टिग्रिना ही है। वर्तमान में इसका भी जीनस जो राना है उसको हेओप्लो बैट्रकस कर दिया गया है। स्पीसीज का नाम सेम है टाइगेरिनस, क्योंकि सिर्फ जीनस का नाम समय समय पर वैज्ञानिक जो टैक्सोनोमिस्ट होते हैं वो चेंज करते रहते हैं इनको, इसको होप्लो बैट्रेकस टाइगेरिनस कहते हैं। इंडियन बुल फ्रॉग, क्योंकि ये बड़े आकार का होने के कारण इसको इंडियन बुल फ्रॉग कहते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं एलाइटस। एलाइटस जो है उसको मिड वाइफ टोड कहते हैं। इसमें जो मेल एलाइटस होता है, यानी जो नर एलाइटस होता है, उसको मिडवाइफ टोड कहते हैं। एक्चुअली टोड है, इसको मिडवाइफ इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका जो मेल होता है वो क्या करता है, जो फीमेल के द्वारा दिए गए अंडे को अपने पिछले पैर होते हैं उनके ऊपर साथ साथ कैरी करता है और ये पेरेंटल केयर शो करता है। इसलिए ये जैसे कि एक माता जी माँ जिस तरह से एक बच्चों को ख्याल रखती है, यहाँ पर ये अपने पार्टनर की जो फीमेल है एलाइटस उसकी अंडों की देखभाल पूरी तरह से करता है, इसलिए इसको मिडवाइफ टोड कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे पाइपा अमेरिकाना, जिसको कहते हैं सूरीनाम टोड। इसके अलावा एक और राना गोलियथ, जिसको लार्जेस्ट फ्रॉग की कैटेगरी में रखा गया है। ये थे कुछ फ्रॉग के एग्जाम्पल्स, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, आप इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू टू ऑल।